नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का एक छोटा सा परिचय। महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन से ठिकाने थे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम राजस्थान को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजस्थान में कौन सी रियासत कहाँ है और किस वंश का शासन है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो इस एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजस्थान की जो रियासतें हैं उनकी, राजस्थान के जो तीन ठिकाने हैं उनकी और एक केंद्र शासित प्रदेश की। तो विषय है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, और इस इतिहास विषय में जो राजस्थान आज हमारे सामने दिखाई देता है, राजस्थान का जो एकीकरण था वो किन से मिलकर हुआ, हम उसकी बात करेंगे। तो हम बात करें राजस्थान में रियासतें। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो रियासतें थी 19। साथ ही अपन बात करें ठिकाने, तो राजस्थान में ठिकाने थे 3 और केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश 1। इसमें बात करें कि आज हमारे सामने जो राजस्थान है ये कभी राजपूताना हुआ करता था, राजपूत राजाओं का यहां पर शासन हुआ करता था। तो इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वो राजपूताना शब्द था। राजस्थान के लिए प्रारंभ में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करें केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 4 और उनमें से एक अपने राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश जो मेर क्षेत्र था, इसके आसपास का क्षेत्र, मेर पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है ये मेरवाड़ा कहलाया और इस क्षेत्र को अजमेर मेरवाड़ा कहा गया। बात करें तीन ठिकाने, निमराना वर्तमान समय में अलवर जिले में है, लावा का विशेष ध्यान रखना है, ये जयपुर रियासत में हुआ करता था, जयपुर रियासत में हुआ करता था। और वर्तमान में अपन बात करें, वर्तमान में यह है टोंक रियासत, टोंक जिले में। और अंतिम कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले में, बासिया भील द्वारा बसाया गया बांसवाड़ा। यहां पर बात करें ठिकाने जो रियासतों से छोटे होते थे, निमराना, अलवर, लावा, टोंक और कुशलगढ़ बांसवाड़ा, तीनों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि इनका विलय राजस्थान में किस चरण में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जब जयपुर का विलय होगा तब लावा ठिकाने का भी विलय होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19 रियासतें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान की 19 रियासतें कौन कौन सी थी। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें मेवाड़ रियासत, आप लोग भली भांति परिचित हैं मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ रियासत जो उदयपुर और चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मेवाड़ रियासत कहलाता था। इसकी विशेषता याद रखनी है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, ठीक है। और सबसे जो दूसरी विशेषता है, सबसे लंबा शासनकाल लगभग 566 ईस्वी से, और 1956 कह दो या फिर 1947 भारत आजादी तक इसका क्या रहा, मेवाड़ क्षेत्र पर शासन रहा, क्योंकि एकीकरण का जो कंप्लीट हुआ था वो 1956 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें इसके साथ में कि मेवाड़ रियासत यहां पर किसका शासन था, तो मेवाड़ रियासत पर शासन था गुहिल राजवंश का। मेवाड़ राजवंश पर गुहिल राजवंश का शासन हुआ करता था। इसके अलावा अपन बात करें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये राजस्थान की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सभी जो रियासतें हैं इन चारों रियासतों पर गुहिल राजवंश का शासन हुआ करता था। डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है ये बासिया भील द्वारा बसाया गया। प्रतापगढ़ की अपन बात करें
इसको वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान का क्या बनाया गया, नवीनतम जिला, नवीनतम जिला बनाया गया राजस्थान का। यदि कोई नवीनतम जिला पूछ ले तो वो 33वां जिला किसे बनाया गया, प्रतापगढ़ को बनाया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राठौड़ राजवंश की, कि राजस्थान में राठौड़ों द्वारा कहां कहां शासन हुआ। तो इसमें देखो सबसे पहले तो बात करें अपन जोधपुर, और रियासत कौन सी हो गई, मारवाड़। इसके अलावा राव बिका द्वारा बीकानेर और किशनगढ़, यहां पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राठौड़ों का पहला अपन ने देखा गुहिल राजवंश, जिसने चार रियासतों पर शासन किया, और अब अपन बात कर रहे हैं राठौड़ वंश, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीन रियासतों पर इन्होंने शासन किया। मारवाड़ रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, यह भी हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो चार रियासतें वहां हो गई थी, 5, 6 और 7, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, यहां पर राठौड़ वंश का शासन रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आमेर रियासत, आमेर रियासत, और आमेर रियासत को वर्तमान में कौन सा क्षेत्र, जयपुर। इसको राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आमेर। आमेर के पास में ही एक रियासत और थी, अलवर रियासत, और यहां पर नरुका वंश का शासन, अलवर में नरुका वंश का शासन था। नेक्स्ट अपन बात करें 10वीं रियासत कोटा, बूंदी और झालावाड़। वर्तमान में बात करें अपन, इस क्षेत्र को हड़ौती क्षेत्र कहा जाता था, वर्तमान में हड़ौती क्षेत्र, जिसमें राजस्थान के चार जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, देखिए दौसा, बारा और राजसमंद, इनको एक साथ जिले बनाए गए थे। तो बारा यहां पर रियासत नहीं है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ यहां पर हाड़ा राजवंश का, हड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ा राजवंश का शासन था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट झालावाड़ रियासत अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीनतम रियासत, या क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, तो वो झालावाड़ है, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान की करौली रियासत, करौली रियासत। नेक्स्ट अपन बात करें जैसलमेर रियासत, तो करौली रियासत यदुवंश और जैसलमेर रियासत भाटी वंश। तो बात करें अपन हड़ौती क्षेत्र 10वीं, 11वीं और 12वीं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीनतम रियासत, हाड़ा राजवंश ने शासन किया। करौली रियासत पर यदुवंश और जैसलमेर रियासत पर भाटी वंश, या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे, और यदुवंश के द्वारा यहां पर शासन किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें भरतपुर और धौलपुर, एक रियासत अपन बात करें टोंक, और एक रियासत की अपन बात करें शाहपुरा,
देखो भरतपुर और धौलपुर यहां पर जाट राजवंश, और जाट राजवंश में भी कौन सा, सिंहसिनवार वंश का शासन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहां जाट राजवंश ने शासन किया, तो अपने को ध्यान रखना है भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें हैं जहां पर जाट राजवंश और सिंहसिनवार वंश का शासन था, जिसका सबसे फेमस शासक रहा सूरजमल, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें टोंक, टोंक क्या है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, और शाहपुरा ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, और लास्ट रियासत की अपन बात करें सिरोही, सिरोही में ध्यान रखना देवड़ा वंश, राजस्थान की ऐसी रियासत जिसका विलय दो चरणों में हुआ था, ये सिरोही रियासत थी। तो इस तरीके से राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो जाट राजवंश, भरतपुर, धौलपुर, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और सिरोही जिसका विलय दो चरणों में हुआ था। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो था जो राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। धन्यवाद।